हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एडुकेटसॉन। सो फ्रेंड्स, एक अभी क्वेश्चन अराइज हो रहा है काफ़ी बच्चों के मन में कि सर अब जो पेपर होगा वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। रीज़न ये है कि अभी कुछ दिनों में कुछ पेपर जो हैं पोस्टपोन्ड हुए हैं, कैंसिल होके पोस्टपोन्ड हुए हैं। तो समझते हैं कि एक्चुअली वो पोस्टपोन्ड क्यों हुए और ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, इसके बारे में CSBTU का जो नोटिस आया है वो क्या कहता है। तो बहुत बच्चे उस नोटिस को सही तरीके से पढ़े नहीं है, तो उस नोटिस को देखते हैं और समझाता हूं मैं कि एक्चुअली वो कहना क्या चाहता है। तो ये है वो CSBTU का नोटिस जिसे CSBTU ने जारी किया है 26/7/2021 को, ताकि बच्चे लोग का जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो सके। तो चलिए देखते हैं क्या चीज़ है। अब ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि TCS पोर्टल ओपनिंग इज फर्दर एक्सटेंडेड अप टू 31st July 2021 टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर हु कुड नॉट फिल द फॉर्म टिल डेट। इस चीज़ को ध्यान से समझें। कहने का मतलब ये है कि ये आपका जो आपका एक्सटेंड हुआ है, रीज़न ये है कि जो डिप्लोमा के बच्चे थे थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के, उनमें से कुछ बच्चे फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे जो डेट आपका प्रिस्क्राइब था, दिया गया था। तो इसीलिए TCS पोर्टल को 31 जुलाई तक एक्सटेंड किया गया ताकि वो बच्चे फॉर्म फिल कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट लिखा हुआ है वो है द एंड सेमेस्टर एग्जाम ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर विच वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम 27 जुलाई। ठीक है, जो 27 जुलाई से स्टार्ट होने वाले थे। ठीक है, नोटिफिकेशन इशूड नंबर जो भी लिखा हुआ है डेटेड 17/7 हैव बीन पोस्टपोन्ड, यानी कि जो आपके एग्जाम थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के 27 जुलाई से स्टार्ट होने वाले थे उसको आपका पोस्टपोन्ड किया गया है। ठीक है, दिस एग्जाम विल बी हेल्ड इन द लास्ट वीक ऑफ August 2021। द टाइम टेबल विल बी इश्यूड एंड अपलोडेड इन वेबसाइट विद प्रायर नोटिफिकेशन। यानी कि अगर पूरा इसका मतलब समझे तो इन्होंने ये कहा है कि थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर डिप्लोमा का जो बच्चे फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे उनके कारण जो डेट है वो एक्सटेंड हुआ है 31 जुलाई तक फॉर्म फिल करने का TCS पे। इसी कारण जो 27 जुलाई से पेपर स्टार्ट होने वाला था, ऑब्वियस सी बात है 31 जुलाई तक जब फॉर्म फिल करने का डेट अभी बढ़ा है तो 27 जुलाई वाला पेपर पॉसिबल है ही नहीं। इसीलिए आपके जो पेपर है थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के, डिप्लोमा के खासकर, ठीक है, तो उनको क्या किया गया, पोस्टपोन्ड किया गया है। ठीक है, लेकिन इस पूरे के पूरे आपका नोटिस में कहीं पे भी ये वर्ड नहीं लिखा है कि आपका जो पेपर होगा वो ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये मान के चलिए कि जो सिचुएशन अभी है और जैसा कि सभी कोर्स का हो रहा है ऑनलाइन, तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी आपके ऑनलाइन होने के ही चांसेस है। बट जो नेक्स्ट आपके नोटिफिकेशन है उसके आने का इंतज़ार कीजिए, जो आपका मे बी अगस्त के लास्ट वीक में जो पेपर होने का है उससे पहले आपके नोटिफिकेशन जो आएंगे उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। लेकिन अभी इसमें यहाँ कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आपके जो पेपर हैं वो ऑफलाइन होंगे। तो नॉर्मली ये मान के चलिए कि ऑनलाइन ही होंगे, बट वेट करिए नेक्स्ट नोटिस का। तो ये पूरा जो आपका नोटिफिकेशन है इसको पूरा समझने से ये क्लियर हुआ है कि आपका जो डेट है इसलिए आपका एक्सटेंड हुआ है। बाकी ऐसा कोई भी चीज़ इसमें क्लियर नहीं किया गया है कि ऑफलाइन है ऑनलाइन है, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। तो आप लोग इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट जो आपका नोटिस आएगा CSBTU से उसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जाते जाते मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जितने लोग अभी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, ताकि जो बच्चे कन्फ्यूज़न में हैं उनका कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं दूर हो। और साथ ही साथ मस्त रहें, बिंदास रहें और जहाँ भी रहें हमारे साथ रहें। चलते हैं फिर।